गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, आज मैं आपको स्टील रूफ ट्रस बताऊंगा। स्टील रूफ ट्रस जो होती है वो, इसमें स्पान जो है आपका ये है 12 मीटर। आप इसके लिए, इसका जो स्केल है, इसको हम इसमें दो स्केल लेंगे। दो स्केल कैसे? आपने स्पान के लिए एक अलग स्केल लिया, और जो इसको बनाने के लिए, जो इसके स्ट्रक्चर्स हैं, जो इसकी ये टाई है और स्ट्रट है, इनके लिए हम अलग स्केल लेंगे। ठीक है, तो जो स्पान है हम उसके लिए 30 का स्केल लेंगे। ठीक है, 30 का स्केल लेने से क्या होगा, ये आपका जो टोटल लेंथ है, स्पान है, वो 12 मीटर है। इसकी जस्ट आधी रह जाएगी स्पान, यहाँ से और यहाँ तक का, तो 6 मीटर। 6 के बाद में हम इसको डिवाइड करेंगे 3 भागों में, क्योंकि 1, 2 और ये 3। जब हम इसको 3 भागों में डिवाइड करेंगे, तो सबसे पहले हम इसकी सेंटर लाइन से इसको बनाना शुरू करेंगे। सेंटर लाइन बनाने से आपने देखा, इसमें अगर ध्यान से देखेंगे तो ये सेंटर लाइन है। फिर इससे जो स्ट्रट जा रही है और जो टाई जा रही है, वो भी इसके सेंटर लाइन से ही जा रही है, जो यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है। ये इनका सेंटर पॉइंट यहाँ पे है। इससे आपको पहले सेंटर लाइन ड्रॉ करनी है इस पूरे फ्रेम की। सेंटर लाइन ड्रॉ करने के बाद में आपको बहुत सहूलियत हो जाएगी इसको बनाने में। तो हम शुरू करेंगे यहाँ से। सबसे पहले हम बनाएंगे टाई बीम। टाई बीम बनाने के लिए जो आप करेंगे, वो 6 मीटर का जो हमारा स्पान रह गया है, उसको हम 30 का जब स्केल लेंगे, तो ये 20 सेंटीमीटर का तकरीबन स्केल पे आएगा। तो 20 सेंटीमीटर का जब ये स्केल पे निकल के आएगा, तो हम उसको 3 भागों में डिवाइड कर लेंगे। 3 भागों में डिवाइड करने के लिए आप उसमें सीधा सा 20 में 3 का डिवाइड कर दीजिए, वो आपकी बिल्कुल परफेक्टली वहाँ पे आ जाएगा। इसके बाद में जब इस तरीके से जब आप इसको टाई को बना लेंगे, जब इसमें सेंटर लाइन डाल देंगे, फिर हम ऊपर से, यहाँ से एक ऊपर प्रिंसिपल राफ्टर जाएगा, जो इससे 23 डिग्री पे जब ये प्रिंसिपल राफ्टर जाएगा, तो हम इससे और टाई से बीच में प्रिंसिपल राफ्टर से परपेंडिकुलरली स्टड डालेंगे। स्ट्रट जो होंगे वो सारे प्रिंसिपल राफ्टर से परपेंडिकुलर होंगे। ये आपका स्ट्रट है, ये भी आपका स्ट्रट है, और ये भी आपका स्ट्रट है। इसके अलावा जो भी मेंबर्स होंगे, सिवाय इस मेंबर को छोड़ के, वो सारे आपके टाई होंगे। इसको याद करने के लिए आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। जो भी प्रिंसिपल राफ्टर से परपेंडिकुलर है वो आपके स्ट्रट है, अदर देन टाई। ये भी टाई है और ये, बाकी सारे आपके टाई हैं। ये आपका सस्पेंडर है। अब जो मुझे आप लोगों ने पूछा था, वो ये पूछा था कि सबसे बड़ी दिक्कत आपको इस पर्लिन और क्लिप में आ रही है। तो इसमें जो दिक्कत है वो ये बता दें आपको कि इसमें ये पर्लिन है वो इस तरीके से है, और क्लिट है वो ऐसे है, और इसको मिलाने के बाद ये कुछ ऐसा बन रहा है। ठीक है, इस तरीके से जब आप इसको देखेंगे, तो जब आप इसकी डायमेंशंस पे ध्यान देंगे, तो 7.5 × 7.5 × 8 की डायमेंशन की ये दे रखी है क्लीट। ठीक है, 7.5 × 7.5 × 8 का मतलब है 7.5 ये आपकी है, 7.5 आपकी ये है, और 8 इसकी थिकनेस है। ठीक है, सेम यहाँ पे जब पर्लिन की बात होती है, तो पर्लिन जो है आपकी 7.5 है, 12.5 इसकी ये वाली गैप है जो लेंथ है इसकी, और जो इसकी थिकनेस है वो 6 है। तो इसके आगे आप जब इसको बना लेंगे, तो इसमें फिर लगेगी गसट प्लेट। ये आपकी गसट प्लेट है जो इसको होल्ड करके रखेंगी, इन सभी को बांध के रखेंगी। इसमें रिबिटिंग होती है, रिबिटिंग से होती है, और बेल्डिंग से भी होती है। बेल्डिंग से ज़्यादा बेटर रिबिट रहती है, तो हम इसमें रिबिटिंग ही करते हैं। इसके अलावा जो भी अगर आपको डाउट या क्वेरी हो इसमें, इससे रिलेटेड, वो आप पूछ सकते हैं। और इसकी जो डायमेंशन है वो कुछ ऐसे है, जब आप इसको देखेंगे तो 60, ये 60 × 60 × 6, इट मीन्स 60 आपकी ये वाली लेंथ है और 60 ये वाली, एंड द थिकनेस इज 6। इसके अलावा फिर यहाँ पे प्रिंसिपल राफ्टर है जो कि है 80 × 80 × 6, सेम ये आपकी 80 हो जाएगी, ये आपकी 80 हो जाएगी, और 6 जो है आपकी थिकनेस हो जाएगी। इसके अलावा इसको बनाने के लिए अगर फिर भी कोई कुछ प्रॉब्लम आए, तो आप लोग फिर से पूछ सकते हैं, मैं आपको फिर से बता दूंगा। बट ये बहुत ज़्यादा सरल है, इसमें कोई ज़्यादा बड़ी दिक्कत नहीं है। आप इसमें सिर्फ 2 स्केल लेंगे। 2 स्केल के लिए मैं फिर से बता रहा हूँ कि ये इसमें स्पान के लिए आप अलग लेंगे, और जो इसके मेंबर्स हैं उसके लिए आप 15 का स्केल लेंगे। 15 के स्केल से आप जब इसको 60 से डिवाइड करेंगे, तो 4
एमएम की आप थिकनेस की इसकी लाइन बनाएंगे, जिसको आप इजीली डिवाइड कर सकते हैं दो एमएम में, बीच में सेंटर लाइन डाल करके। बाकी इसको बनाते समय आप लोगों को सबको कैपिटल लेटर्स का ही इस्तेमाल करना है, स्मॉल का इस्तेमाल ना करें। मैंने क्योंकि जगह की और सीधा लिखने में दिक्कत आती है और जगह भी इतनी नहीं है, तो मैंने इसलिए रनिंग लेटर्स का इस्तेमाल करा है। बट आप लोग इसमें कैपिटल लेटर्स का इस्तेमाल करेंगे, इतना ही है इसमें। अदर देन इसके अलावा कोई क्वेरी हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। ठीक है, स्टे होम, स्टे सेफ।